सब्सक्राइब लाइक ऑन एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेस्ट बड. तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विंटर स्पेशल खसखस के हलवे की रेसिपी, जो बनाने में बहुत इजी है, खाने में बहुत टेस्टी होता है और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही हेल्दी रहता है. और इससे क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है. देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट इसके जो बेनिफिट हैं वो बहुत ही अमेजिंग है और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. अगर ठंडों में अगर आप इसको डेली लेंगे, एक चम्मच भी लेंगे, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा. वैसे तो लोग डेली उबाल के दूध में खाते हैं बट अगर आप इसको बना लेंगे तो हफ्ता दो हफ्ता रख कर डेली खा सकते हैं. तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, मैंने करीब 100 ग्राम खसखस को ना ओवरनाइट भिगो लिया था और मैं अब इसको अच्छे से छान लूँगी. तो यहाँ छानने के लिए मैंने चाय वाली छलनी का यूज़ किया है क्योंकि इसका दाना बहुत छोटा होता है. अगर हम वैसे और छलनी से अगर इसको छानेंगे तो ये सब निकल जाएगा तो वो बेकार हो जाएगा. तो जब भी हलवा बनाएं तो इसको ओवरनाइट सोक करना बहुत ज़रूरी है. 6-7 घंटे इसको पानी में भिगो के रखिए और उसको अच्छे से छान लीजिए. और देखिए, हमारा अभी खसखस का क्या दाना बिल्कुल ड्राई हो चुका है क्योंकि हमने पानी इसमें से निकाल दिया है. तो हमें क्या करना है, इसको पीसना है. तो यहाँ मैंने करीब 1/2 लीटर दूध लिया है और अब हम इसको 2-3 स्टेप में यूज़ करेंगे और मैं आगे आके आपको बताती हूँ हमें क्या करना है. और आज हम इसमें शुगर नहीं डालेंगे, कुछ ऐसा मीठा हम अच्छा मीठे से बनाएंगे. तो देखिए, मैंने सारा खसखस के जो सीड है ना, जो हमारे सोक्ड सीड थे, सारे इसमें सीड को मैंने अपने ब्लेंडर में ले लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा करीब 5-6 चम्मच दूध लिया और उसकी हेल्प से इसको मैंने ब्लेंड कर लेना है. क्योंकि ब्लेंड भी कब तक करना है, जो दाना है ना, दाना सा लगता है, छूकर आपको आइडिया लग जाएगा कि बिल्कुल वो मतलब पिस चुका है, अच्छे से पिस जाएगा. पाउडर की थोड़ा दरदरापन नहीं रहेगा, बिल्कुल चिकना हो जाएगा इसका बैटर जो होगा. तो तब तक ही हमें पीसना है. दूध हमने इसलिए मिलाया है क्योंकि हमारे को ड्राई में नहीं पिस पाएगा और हमें हल्का सा इसकी कंसिस्टेंसी लूज ही रखनी है. तो इसमें इसलिए मैंने 4-5 चम्मच दूध मिला दिया है. तो देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने क्या करना है, बस अब ये पेस्ट तैयार हो गया है. अभी देखिए, हमारा पेस्ट की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है. अब हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, उसमें करीब मुझे पूरा लेना है 1/2 कप घी लेना है. बट मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊंगी. इसमें घी भी बहुत कम सा जाएगा. अगर आपको घी बहुत पसंद है तो आप डाल सकते हैं. तो यहाँ पे 4-5 बड़े चम्मच मैंने घी ले लिया एक पैन को गर्म करके. और जो पेस्ट है बनाया था ना हमने, वो मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी. इस पॉइंट पर आप एक काम कर सकते हैं, वैसे तो बादाम का भी हलवा बहुत हेल्दी रहता है विंटर के सीज़न में. आप चाहें तो अगर आपको दोनों मिक्स करके बनाने तो ओवरनाइट बादाम को सोक कर लीजिए, उसका छिक्का लटा के उसको भी इसके साथ पीस के डाल दीजिए. या फिर आप बिना भिगोए भी डाल सकते हैं. दोनों ही तरीके से बादाम का भी जो पेस्ट रहेगा हेल्दी रहेगा. बट क्योंकि आज हम केवल खसखस का हलवा बना रहे हैं तो कुछ इस तरीके से हम इसको करेंगे. तो देखिए, इसको धीमी आंच पर हमें करीब 15-20 मिनट बिल्कुल अच्छे से घुमाते रहना है, चलाते रहना है और गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसको भूनना है. ये खसखस का हलवा हर एज के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, खासकर कि न्यू मॉम के लिए ये बहुत ही हेल्दी रहता है. उनको तो ये बना के ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि इसके जो खसखस के जो बेनिफिट है ना, वो बहुत ही अच्छे होते हैं सभी की हेल्थ के लिए. और विंटर्स में तो ये बहुत ही अमेजिंग रहते हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई कर लेना चाहिए. तो देखिए, कुछ इस तरीके से ये हलवा हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है. इसको हमें बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है क्योंकि अगर हम जल्दी कर देंगे ना तो उसमें ये टेस्ट नहीं आएगा. तो इसको आराम से 15-20 मिनट लगा के, तो देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है. अब हमारा जो दूध था ना रिमेनिंग, वो हमें धीरे धीरे करके डालना है, धीरे धीरे करके सारा ही डालना है क्योंकि खसखस क्या फूलेगी दूध डालने के बाद, है ना. तो अब इसमें मावा तो जाएगा नहीं, इसमें दूध का ही सारा हो जाएगा. और इसको क्या करना है, दो पहले तो आप इसको सारा मिला लीजिए जिससे कि लम्स फ्री हो जाए हमारा हलवा. प्लस उसके बाद 2-2 मिनट को लिड को ढक के आप इसमें आप अपना हलवा उबाल सकते हैं. और थोड़ी थोड़ी देर बाद, तब तक हमें इसको लिड से ढक के रखना है. 2-2 मिनट बाद चेक भी करना है, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं चेक करना है. तो यहाँ देखिए, मैंने इलायची का पाउडर भी डाल दिया हल्का सा फ्लेवर के लिए. अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं. तो देखिए, बस इसको मिला देना है और 2-2 मिनट के बाद इसको ढक के रख देना है. और स्वीट के लिए यहाँ देखिए, मैंने 100 ग्राम ही यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है. ये बहुत ही सॉफ्ट गुड़ है. अगर आपको गुड़ नहीं पसंद है तो आप शुगर इतने ही क्वांटिटी में शुगर ऐड कर लीजिए. और क्योंकि हमने इसको विंटर स्पेशल करके बनाना है, विंटर्स में जो गुड़ है वो बहुत ही हेल्दी रहता है, आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और शुगर से तो ये बेटर ही रहता है हर पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इसलिए मैंने यहाँ पर गुड़ डाला है. तो देखिए, मैंने इस ब्रांड का गुड़ यूज़ किया है.
तो आप भी इस ब्रांड का ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का गुड़ होता है ये। तो देखिए कुछ इस तरीके से गुड़, ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। इसमें आपको कोई चाशनी की ज़रूरत नहीं है, कोई मावा नहीं मिलाना है, और इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा, और जो आपकी जो खसखस के हलवे की सेल्फ लाइफ है ना, वो भी बढ़ जाएगी। तो आप हफ्ता तो हफ्ता तीन हफ्ता भी रख के खा सकते हैं फ्रिज में। अब वैसे भी इसको ज़्यादा क्वान्टिटी में तो नहीं खाया जाता है, इसको एक डेढ़ चम्मच आपने लिया दूध के साथ ले लीजिए और बस, और बहुत ही हेल्दी रहता है, इससे ठंड आसानी से नहीं लगती है। तो देखिए कुछ इस तरीके से दो दो मिनट लिड से ढक के रखना है, और जब ये घी ऊपर आ जाएगा ना, तो तब तक हमारा ये हलवा तैयार हो जाएगा। तो देखिए दो दो मिनट करके मैंने क्या करना है, इसको लगातार चलाते रहना है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये इतना अमेजिंग होता है ना टेस्ट में, आप एक बार बनाएंगे इसको बार बार ट्राई करेंगे, क्योंकि हेल्थ के लिए भी अच्छा है, टेस्ट में ये बहुत अमेजिंग लगता है। जब भी स्वीट की क्रेविंग हो रही हो ना, तो आप ये बना सकते हैं, और ये आपको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए हमारा हलवा इसी तरीके से, इसको इस प्रोसेस को करने के लिए भी 7 से 8 मिनट लगेगा आपको। दो दो मिनट रखने के बाद आपका हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और अगर के आप एक काम कर सकते हैं, इस तरीके से आपने खसखस पूरी भिगो लिया और फिर उसको भून लीजिए पूरा ब्राउन होने तक, और फिर आप उसको रख दीजिए। अगर आपका तुरंत बनाने का मन नहीं है हलवा, तो आप उसको रख के स्टोर कर लीजिए, और जब भी आपका हलवा बनाने का मन करे, बस दूध ऐड किया, शुगर ऐड किया, और आपने हलवा एकदम से बना लिया। तो कुछ इस तरीके से हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट का बना है और हेल्दी भी बहुत है। तो देखिए कितना अमेजिंग कलर हमारे हलवे का आ गया है। तो लगातार आप इसको चलाते रहिए, जिससे कि बॉटम पे लगे ना। और इसका एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, खसखस को आप हमेशा बिल्कुल स्लो आंच पे भूनिएगा। अगर आप तेज़ कर देंगे ना, तो वो खसखस जल जाएगी, क्योंकि इसका दाना ही इतना बारीक होता है कि वो एकदम से लग जाएगा, और हमें ऐसे जलाना नहीं है। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो आपकी जो फ्लेम हो बिल्कुल लो पर हो। तो देखिए बबल्स आने लगे हैं, घी हमारा ऊपर आ रहा है। अगर आपको कम घी पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 4 या 5 चम्मच ही घी डाला था, मैंने हाफ कप घी लिया था, पर मैंने इसमें डाला 4-5 चम्मच ही था। तो आप देख लीजिए जैसा आपका टेस्ट हो, जैसे आपको पसंद हो, आप वैसे थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट इतने मेज़रमेंट में ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप कर लीजिए। पहले अगर आपको, आपने कभी नहीं खाया, तो पहले आप थोड़ा कम क्वांटिटी का भी बना सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमें बस इसी कंसिस्टेंसी का अपना हलवा रेडी रखना है। और देखिए हमारा क्या, इसमें घी ज़्यादा है, तो देख रहे हैं ना, आपको घी दिखाई दे रहा है ना, बहुत ही अमेजिंग हमारा हलवा। इस कंसिस्टेंसी का ही चाहिए हमें हलवा। बस हमारा हलवा रेडी है, आप थोड़ा सा इसको आलमंड कट करके गार्निश कर लीजिए। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही हेल्दी हलवा हमारा रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस विंटर सीजन में इस हलवे की, हेल्दी हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ये हलवा सभी के लिए बेनिफिशियल है, हर एज ग्रुप के लिए। तो और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग हेल्दी ईजी रेसिपी शेयर करती रहती हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, ऑन and share my channel. Thank you.